संगीत आत्मा का नाथ है और आत्मा परमात्मा का स्वरूप है। सुर और ताल के इस खूबसूरत कुदरती ताने बाने में पिरोए गए हमारे अनगिनत राग, हमारे अपने स्वभाव, अपने वातावरण और हमारे बेशुमार मौसमों ऋतुओं का ही अक्स हैं। हमारा शास्त्रीय संगीत सही मायनों में जीवन की कोख से ही पैदा हुआ है। जीवन की इन्हीं सुरीली संतानों को राग कहा जाता है। तो आइए, जिस जीवन का रागों ने श्रृंगार किया है, उन्हें रागों की गहराई में जाकर महानतम संगीतकारों द्वारा किए गए अध्ययनों को नमन करें। आज के एपिसोड में ले रहे हैं हम एक और सुबह का राग, अहिर भैरव। बड़ा खूबसूरत राग है, इसमें परियों की चंचलता और बहुत विशाल समंदर का एक डेप्थ है, वो दोनों चीज़ उभर के आता है। बहुत अच्छे अच्छे बंदिशें इसमें बनाई हैं जो लोगों ने गाई बजाई हैं, फिल्मों में गाई बजाई हैं। एक बंदिश मेरे ध्यान में आ रही है, आपको सुनाता हूँ। अलबेला सजन आयो रे, मोरात मन सुख पायो रे। अलबेला सजन आयो रे, अलबेला सजन आयो रे, अलबेला सजन आयो रे, मोरात मन सुख पायो। आज आपको शुरू करवाता हूँ सुनाना पंडित राजन साजन मिश्रा का गाया हुआ एक बहुत खूबसूरत वर्णन इसी राग का। गुजरिया दरी में चन को चली जा,
दरिवचन को चले जा गुजरिया दधि बेचन को चल जा गुजरिया दरिवचन को चले जा गुजरिया दरिवचन को चले जा गुजरिया जन को चले जा गुजरिया दरिव जन को चले जा दरे बेजा बंसी बजावत गौ में चलावत सबके मनत हर सावत रामदास मोहन प्यार सबके हरि मन जो दर्द एक और कलाकार है हिंदुस्तान के उस्ताद शाहिद परवेज़ सितार बजाते हैं और कैसा बजाते हैं ये खैर मैं अपने मुंह से क्या कहूँ सारी दुनिया जानती है। बहुत बहुत दिग्गज कलाकार है। उन्होंने
इसी राग को अपने रंग में किस किस्म का एक कलर दिया है, आइए मैं आपको सुनवाता हूँ। Oh.
वोकल क्लासिकल, इंस्ट्रूमेंटल क्लासिकल, ये आपने सुना, मगर हर राग के अलग अलग पहलू होते हैं। और मैंने बचपन से इस राग को, सुबह का वक्त है, मैं क्या बताऊँ एक बड़े ग़ुलाम अली खान साहब को, मैं बहुत छोटा था, मैं सुन चुका हूँ सुबह के वक्त कलकत्ते में, अभी भोर हुआ है, 4:30-5 बजे सुबह गाना गा रहे हैं, वो चीज़ें अभी तक दिमाग में बैठी रहती हैं। इस राग में एक सीरियसनेस ज़रूर है, मगर एक चंचलता भी है, उसमें खूबसूरती है, खिलवाड़ है। तो अलग अलग शैली हम सुन सकते हैं। राधिका चोपड़ा जी हैं, गज़लें गाती हैं, उनकी आवाज़ में उनकी गाई हुई एक गज़ल आपको सुनवा। अलग अलग शैलियों की तरफ बढ़ते हुए, सुबह के वक्त एक बड़ा शांत, एक अलग किस्म का वातावरण रहता है, तो इस राग में बड़े खूबसूरत भजन भी लोगों ने गाए हैं। अमरीश मिश्रा का गाया हुआ एक भजन आपको सुनाता हूँ, कबीर की लिखी हुई है। चलना है
दूर मुसाफिर क्या सोए चलना है, दूर मुसाफिर क्या सोए चलना है, दूर मुसाफिर क्या सोए चलना है, दूर मुसाफिर क्या सोए सर पर मोह की गठरी भारी, सर पर मोह की गठरी भारी, संग में बहुत तेरे होए, माया मोह की गठरी छिनेगी, माया मोह की गठरी छिने रस्ता दूर विकट है झाड़ी, रस्ता दूर विकट है झाड़ी, अकेला चलना होए, रस्ता दूर विकट है झाड़ी, अकेला चलना होए, संग साथ तेरे कोई ना चलेगा, संग साथ तेरे कोई ना चलेगा, तू रस्ते में अकेला जीवन के किसी भी मोड़ पर रुककर देखिए, आपको संगीत तो सुनाई देगा ही। संगीत चाहे आज का हो या आने वाले कल का, पैदा गुजरे कल की कोख से ही हुआ है।
हमारा ये कार्यक्रम मौसीकी एक खोज इसी सोच पर आधारित है। फिल्मी गीत हो, ठुमरी हो, वादन हो या शास्त्रीय गायन, सबकी बुनियाद राग है। इन्हीं रागों को संगीत के अलग अलग पहलुओं से समझाने का सुरमई आईना है मौसीकी एक खोज। आप देख रहे हैं डीडी भारती।